तो दोस्तों, जियो ने जो है अपने जो है फ्री डाटा देने की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, जियो ने जो है फाइनली मतलब लास्ट मौका दिया है अपने यूज़र को कि वो जो है जाके अपना रिचार्ज करा ले। तो अगर अभी तक आपने प्राइम मेंबरशिप नहीं लिया तो आप 30 अप्रैल तक जो है अपना प्राइम मेंबरशिप को ले सकते हैं, और साथ ही जो है आपका जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है वो जाके 30 तारीख को ही खत्म होगा, मतलब 30 अप्रैल को ही खत्म होगा। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है इसका प्रूफ भी दूंगा, और बता देता हूँ कि अगर जिन्होंने रिचार्ज करा लिया है, ठीक है, तो उनका जो है टैरिफ प्लान चालू हो गया है, प्लस जो है उनको 1 GB का फ्री एक्स्ट्रा डाटा भी मिल रहा है, जो हैप्पी न्यू ईयर की तरफ से मिल रहा है उनको, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने जो है जियो का प्राइम मेंबरशिप 99 रुपीज़ का ले रखा है तो भी आपको जो है 30 अप्रैल तक जो है फ्री डाटा आपको मिलने वाला है, और उसके अलावा अगर आपने कोई भी रिचार्ज नहीं कराया तब भी आपको जो है 30 अप्रैल तक आपको फ्री डाटा मिलता रहेगा। और अगर आप मान लीजिए अगर आपने जो है कोई भी प्लान ले रखा है 303 का या 309 रुपये का या कुछ भी प्लान ले रखा है, तो आप जो है आप उस जो टैरिफ प्लान आपने ले रखा है उसका भी आप यूज़ कर पाएंगे, और साथ में जो है आपको फ्री डाटा भी मिलता रहेगा। तो वो जो है इसकी डेट 30 तारीख तक कर दी गई है, और आप जो है फ्री डाटा को यूज़ कर सकते हैं 30 तारीख तक। लेकिन अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा और आगे एक्सटेंड होगा, तो ये नहीं होने वाला है, कि जियो की तरफ से एक जो है मैसेज आया है उसमें साफ साफ बोला है इन्होंने कि जो आखिरी चांस दिया गया है जियो की तरफ से, तो आप जो है जाके रिचार्ज करा सकते हैं और इसके बाद जो है आपको फ्री डाटा नहीं मिलने वाला है। तो आप 30 अप्रैल तक जो है किसी भी तरीके से रिचार्ज करा लिए ताकि आपका जो है जियो डिसकनेक्ट ना हो, और आप जो है इसके टैरिफ प्लान भी इजिली जो है इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो इस तरीके का टैरिफ प्लान है, तो आप जाकर ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपने जिसने भी ये प्लान ले रखा है 309 रुपये का या 509 रुपये का, तो उनको जो है जो भी बेनिफिट है वो भी आपको मिलता रहेगा, प्लस जो है आपका जियो हैप्पी न्यू ईयर का जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ कि वो प्रूफ किस तरीके का है, जिससे आप देख सकते हैं कि जियो का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल तक हो गया है। तो गाइस, आपको करना है कि आपको प्ले स्टोर पर जाकर लेटेस्ट माई जियो का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, और उसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद जो है आपको अपना अकाउंट जो है उसको स्किप करके लॉगिन कर लेना है ताकि आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने जो है सिर्फ प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, इसके अलावा कोई रिचार्ज नहीं करा रखा है। तो मेरा बैलेंस देखिए आज भी चल रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं प्लान में आपको जाकर दिखाई देता हूँ कि जियो हैप्पी न्यू ईयर की जो लास्ट डेट है वो एक्सपेंड हो चुकी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए, जो है इसकी लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल कर दी गई है। तो 30 अप्रैल की रात के 2:29 तक जो है मेरा जो है चलता रहेगा और आपका भी जो है ये चलता रहेगा। तो अगर आपने कोई रिचार्ज नहीं कराया तो आप जो है 30 अप्रैल तक जो है जाके रिचार्ज करा सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके रिचार्ज करा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।